Hi, hello friends, I am Dr. Ali Anwar Qureshi. अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब का रेड बटन दबाइए और उसके बाजू का बेल आइकन दबाइए और हमसे जुड़े रहिए. थैंक यू. हे फ्रेंड्स, हेलो, कैसे आप सब लोग? मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर अली अनवर कुरैशी और आज फिर से आपके लिए आया हूँ लेकर एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, अद्भुत विषय, बहुत ही अच्छा एक आज टैबलेट के बारे में बात करने वाला हूँ मैं. उस टैबलेट का नाम है ओमना कार्टिल 10 mg. ये टैबलेट में दोस्तों कंटेंट है प्रेडनिसोलोन 10 mg और ये जो टैबलेट है, इस टैबलेट का जो ग्रुप है वो है स्टेरॉयड और एक बहुत ही बेस्टम बेस्ट ये टैबलेट है फ्रेंड्स. और ये टैबलेट का यूज़ जो है एज इन पेन किलर और एंटी इन्फ्लेमेटरी. स्टेरॉयड के बारे में मैंने एक इंजेक्शन का वीडियो बनाया था, उस वीडियो को भी बहुत आपने लाइक किया है फ्रेंड्स. थैंक यू वेरी मच. और अब प्रेडनिसोलोन या स्टेरॉयड का इस जो टैबलेट मिलती है ओमना कार्टिल, ये टैबलेट फ्रेंड्स आपका कोई भी पेन हो, जॉइंट पेन हो, आपको बैकएक हो, आपको जो है सर्वाइकल पेन हो, लंबर पेन हो, किसी प्रकार के पेन में और इन्फ्लेमेशन में ये बहुत ही एक्सलेंट काम करती है. आपकी सूजन को कम करेगी और आपके पेन को कम करेगी. जितने भी स्पॉन्डलाइसिस के केसेस हैं, लंबर स्पॉन्डलाइसिस, सर्वाइकल स्पॉन्डलाइसिस, उन सभी केसेस में ये टैबलेट एक जो है संजीवनी है दोस्तों, क्योंकि ये वहाँ की इन्फ्लेमेशन कम करेगी और पेन भी कम करेगी. दूसरा, ये टैबलेट किसी भी प्रकार के रिएक्शन में वापर सकते हैं आप. तीसरा, इस टैबलेट के वजह से स्किन प्रॉब्लम, कितने भी खराब स्किन प्रॉब्लम हो, कितना भी स्किन इन्फ्लेमेशन हो, इचिंग हो, वो सभी प्रॉब्लम्स इस एक टैबलेट से फ्रेंड्स कम हो सकते हैं. आपके जॉइंट पेन के बारे में मैंने बताया कि जॉइंट पेन भी ये कम करेगा, स्किन प्रॉब्लम कम करेगा, आई प्रॉब्लम कम करेगा, नर्व प्रॉब्लम कम करेगा फ्रेंड्स. और अगर आपको एंजाइटी है तो उस पर भी काम करेगा. आँखों का प्रॉब्लम है उसको काम करेगा, कम करेगा ये. बालों का प्रॉब्लम है सर पे, उसको भी ये कम करेगा. ये जैसे कि मैंने बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ये स्टीरॉयड है, बट ये स्टीरॉयड का ज़्यादा भी यूज़ नहीं करना चाहिए. जैसे मैंने बताया था पिछली बार कि स्टीरॉयड के ज़्यादा यूज़ के बाद आपको इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स. इसके साइड इफ़ेक्ट्स में आपको जो है इसके ऊपर आप डिपेंड हो जाते हैं. आपको ये स्ट्रिप हम देंगे तो आप नेक्स्ट टाइम मेडिकल पर जाके ये स्ट्रिप ले लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल ही मत कीजिए फ्रेंड्स. बाकी ये जो टैबलेट है इसके और बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स हैं. इससे कभी कभी अगर बहुत ज़्यादा कंजम्पशन हुआ तो शुगर बढ़ सकता है नॉर्मल. और मेल में, पुरुषों में सेक्सुअल एबिलिटी इससे थोड़ी कम हो सकती है अगर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो. टेस्टोस्टेरोन लेवल को कम करता है, स्पर्म काउंट को कम करता है, उसकी मोर्टेलिटी को ये कम करता है, उसकी वजह से थोड़ी सी माइल्ड इनफर्टिलिटी भी आपको आ सकती है. इसीलिए दोस्तों इस टैबलेट को आप जब भी यूज़ करते हैं तो इसको जो है टेपरिंग डोज में यूज़ करना चाहिए. टेपरिंग डोज के बारे में मैंने आपको स्टीरॉयड के इंजेक्शन में भी बताया था फ्रेंड्स. पहले 3 दिन, दिन में 4 टैबलेट देंगे, उसके बाद 3 दिन, दिन में 3 टैबलेट देंगे, उसके बाद 3 दिन, दिन में 2 टैबलेट देंगे, और उसके बाद 3 दिन, दिन में 1 टैबलेट देंगे, और उसके बाद हम ये टैबलेट को हाफ करके बंद कर देंगे फ्रेंड्स. तो ये जो टैबलेट है फ्रेंड्स, ओमना कार्टिल 10 mg, ये एक एक्सीलेंट ऐसी टैबलेट है फ्रेंड्स. होप आज का ये टैबलेट का वीडियो आपको अच्छा लगेगा. अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें. और दोस्तों आपका क्वेश्चन करना मत भूलिए, आपको किस विषय की वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उस विषय पर मैं वीडियो बनाऊंगा. थैंक यू.